दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। देहरा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जब वर्तमान सरकार नहीं रहेगी तो कोई भी कठिनाई हिमाचल प्रदेश में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देहरा की जनता जनसभाओं में बड़ी संख्या में उमड़ रही है, उन्होंने तय कर लिया है कि ना किसी दबाव में ना ही किसी प्रभाव में आकर देहरा की आवाज को विधानसभा के अंदर होशियार सिंह के माध्यम से ही पहुंचाएंगे। मैं देख रहा हूं कि उम्मीद से बहुत ज्यादा समर्थन और वो भी जोश भरा समर्थन, जहां देहरा विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी के प्रत्याशी होशियार सिंह। और पहले हम सोच रहे थे कि शायद कठिनाई होगी, लेकिन कठिनाई जैसी कोई चीज यहाँ दिखी नहीं रही। जो जहाँ देहरा की जनता जिस तरह से जनसभाओं में उमड़ रही है बड़ी संख्या में, हमने तय कर लिया है कि हम किसी दबाव में या किसी प्रभाव में ना आकर के हम देहरा की आवाज़ को विधानसभा के अंदर होशियार सिंह के माध्यम से ही पहुंचाएंगे, और इस बार बहुत शानदार जीत होगी। यही तो देहरा की आज तो पहले भी होशियार सिंह पहुँचा रहे थे, इस्तीफा क्यों, ये कांग्रेस को? देखिए, इस्तीफे के बारे में मैंने बड़ा तफसील में डिटेल में बता दिया है। कांग्रेस ने हालात ऐसे कर, एक प्रतिनिधि जो चुन करके आता है उसको जलील करना, उसकी बात नहीं सुनना, उसकी बात नहीं मानना, उनको घंटों घंटों इंतज़ार करवाना और यहाँ किसी और के माध्यम से काम करना, यहाँ किसी और को चौधरी बना देना, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से लोगों में भी रोष था और विधायक ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की, जो उनका समर्थन दे रहे थे हालांकि, लेकिन फिर बाद में तय किया कि हम अपना रास्ता अपनाएंगे। और मैं कहता हूं कि बहुत हिम्मत और हौसले वाले लोग हैं जिन्होंने विधानसभा से त्याग पत्र दिया निर्दलीय विधायक होने के बावजूद कि हम दबाव में आकर के काम नहीं करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनकर के हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जाएंगे। तो क्या काम हो जाएंगे? देखिए, जहाँ जेन्युइन काम होता जनप्रतिनिधि उनको कोई नहीं रोक सकता। बात ठीक है कि सरकार से उम्मीद करते हैं ज़्यादा, जब हिमाचल प्रदेश सरकार की बात अगर कर रहे हैं, जब सरकार ही नहीं रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत ना ही आएगी हिमाचल प्रदेश में काम। आपने कहा था 4 जून की सरकार बदल रही है, देखिए अब तरीकों से अगला चुनाव, अगर ये तीनों चुनाव एक साथ कर दिए होते तो ये मतलब ये 9 के 9 चुनाव एक साथ कर दिए होते तो शायद स्थिति आ जाती, लेकिन अभी इस स्थिति को थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता है दिखाएगी। ठाकुर जी, कांग्रेस ये भी सवाल पूछ रही है कि जो अमृत महोत्सव मनाया गया था देहरा में नहीं मनाया गया, आपके तो विचार बड़े करीबी थे, देहरा में एक बार नहीं आया अमृत महोत्सव? मैं आया हूँ, कई बार आया हूँ, अमृत महोत्सव मनाने नहीं आया। अमृत महोत्सव के सिलसिले में और उसके साथ पीयूष गोयल जी जब यहाँ आए थे देहरा में, यूनिवर्सिटी का प्रोग्रेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए थे देहरा में, और भी कार्यक्रमों के लिए जब आना हुआ है तो सैकड़ों करोड़ रुपए के यहाँ पर शिलान्यास। खबर ये भी पिछली जब ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।